स्वादंतर माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी। वो चटनी जो हम डोसे के साथ खाते हैं, वड़े के साथ खाते हैं, इडली के साथ खाते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए जो सामग्री ली है वो इस प्रकार है। मैंने ली है एक छोटी कटोरी जो कि करीब 2 टेबल स्पून होगा चने की दाल, जिसको मैंने सिर्फ आधा टीस्पून ऑयल डालकर या उससे भी कम 1-2 बूंद डाल के, और वरना बिना तेल के भी उसको कढ़ाई में मैंने सूखा भुना है। मैंने 2 टेबल स्पून नारियल का बूरा लिया है जो ड्राई मिलता है, और 1 टेबल स्पून मैंने नारियल घिस कर लिया है, सूखा नारियल घिस के लिया है। और मैंने 2 लहसुन की गुली ली है, 1 हरी मिर्च जो कि थोड़ी लाल थी थोड़ी हरी थी, कलर अच्छा लगता है इसलिए मैंने उसको काट के लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है घिस के, 1 नींबू का रस लिया है मैंने, 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है सादा, कुछ करी पत्ते मैंने काट के लिए हैं, थोड़ा तेल लिया है मैंने जिसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे, और थोड़े राई के दाने लिए हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। मैं बनाने से पहले एक चीज़ बताऊँगी कि जो नारियल का बूरा मैंने 2 तरह का इसलिए लिया है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नारियल हम गीला भी घिस के ले सकते हैं, और सबसे अच्छा तो गीला ही घिस के लेने में लगता है, पर आपके पास ना हो तो आप ये बूरा भी ले सकते हैं, और आपके पास में नारियल गोला हो तो आप उसको भी घिस के यूज़ कर सकते हैं, मिला के भी कर सकते हैं और अकेले भी कर सकते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। नारियल की ये कच्ची दाल को भून के लिया है। आप भुने हुए चने आते हैं उनकी जो भुनी हुई दाल आती है उसको यूज़ कर सकते हैं, और आप मूँगफली भी कच्ची लेकर उसको भून करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को मिला के कर सकते हैं, और सादी मूँगफली से या चने की दाल से भी बना सकते हैं। तो सभी में बहुत टेस्टी लगती है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। हम चटनी बनाना शुरू करते हैं, और चटनी में चने की दाल, नारियल, दोनों नारियल डाल रही हूँ। ये सभी सामान एक एक करके मैं चटनी में डाल दे रही हूँ, और ये सभी सामान मैंने राई, नमक, ये राई तेल और करी पत्ता बाद में बघार लगाने के लिए रख लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको पीसूंगी। हमारी चटनी पिस चुकी है, और अब हम चटनी पे तड़का लगाएंगे। इसमें मैं करीब 1 टीस्पून तेल डाल रही हूँ। हमारा गर्म हो गया, मैंने एक सरसों डाल के देखा कि तेल गर्म हो गया है, तो मैं गैस बंद कर रही हूँ। इसमें मैं ये मिर्ची डाल रही हूँ, इसमें मैं जो मैंने सरसों के दाने लिए वो डाल रही हूँ, और जो करी पत्ता तोड़ के लिया 7-8 पत्ते वो भी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हिलाऊंगी। और अब इस तड़के को मैं चटनी के ऊपर डालूंगी।